तीन हत्याओं के बाद आष्टा के बंजारा समाज ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। बंजारा समाज के आक्रोशित युवाओं ने सड़क पर लेटकर प्रदर्शन किया। गुरुवार सुबह हाईवे पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुराने हाईवे आष्टा पर दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई। आक्रोशित बंजारा समाज के अनेक युवक सड़क पर लेट गए। सीहोर जिले के सिद्धिगंज थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपल वाली सामरी और गंगाराम की सामरी गांवों में रहने वाले बंजारा समाज के परिवारों में सगाई टूटने के बाद भी युवती के साथ जबरदस्ती शादी करने के बाद इस मामले ने तुल पकड़ लिया था। बुधवार की शाम 4 बजे के दरमियान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तलवार फरसे से जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना में अब तक मुकेश पिता राम सिंह बंजारा और शामलाल पिता गब्बा जी की मौत की पुष्टि हो चुकी है, तो दूसरी ओर इलाज के दौरान सिविल अस्पताल आष्टा में एक व्यक्ति की मौत और भी हो चुकी है, जिससे बढ़कर मृतकों की संख्या अब 3 हो गई है। इस घटना में 19 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इधर सड़क पर चक्का जाम कर रहे अनेक बंजारा समाज के युवकों को आष्टा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनेक घायल लोगों का सिविल अस्पताल आष्टा में इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 3 लोगों की हत्या करने वाले आरोपियों के मकानों को तोड़ा जाए और 50 से अधिक घटना में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। आदर्श न्यूज चैनल के आष्टा ब्यूरो चीफ पत्रकार प्रवेश शर्मा पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। इधर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि हमीदिया अस्पताल भोपाल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराए गए लखन पिता गुलाब सिंह बंजारा की मौत हो चुकी है। इसके शव को आष्टा लाया जा रहा है। इधर दोनों गांवों में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आदर्श न्यूज के लिए आष्टा से पत्रकार प्रवेश शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।